हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है और एक्सेस के अंदर हमें यूज करना है अल्टर कमांड। अब अल्टर कमांड कैसे यूज किया जाए, एक्सेस के अंदर यूज करना है, तो सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करने की बारी है। तो यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 जो है यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। आप 2000 अगर इससे ज्यादा का वर्जन है तो भी ले सकते हैं, हालांकि मेरे पास भी 2021 है, लेकिन ज्यादातर लोग 2007 ही यूज करते हैं, तो इस वजह से मैं 2007 ही यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ से ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर एक नया डेटाबेस दिखाई देगा, तो यहाँ पर आकर के आप क्रिएट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये आ गया इस तरीके से। अब इस टेबल को हम क्या करते हैं, यहाँ से क्लोज कर देते हैं और यहाँ सीधा क्रिएट पे जाके और क्वेरी डिजाइन पे जाते हैं। जैसे ही जाएंगे तो ये एक विंडो आएगी। अब देखिए, शो टेबल वाली विंडो आपको दिखाई पड़ रही, इसको क्लोज कर दीजिए तो यहाँ पर आपको एसक्यूएल व्यू दिखाई देगा। तो आपको एसक्यूएल व्यू पे ही चले जाना है। अब हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। क्रिएट कमांड से टेबल बनाई जाती है, क्रिएट टेबल यहाँ पर लिखना होगा अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं तो, ठीक है ना। और यहाँ पर हम किस नाम से टेबल बनाएंगे, यहाँ पर हम किसी भी नाम से टेबल बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर रिजल्ट नाम से ही टेबल हम बना लेते हैं, तो ये रिजल्ट नाम से टेबल बनाया हमने, आर कैपिटल रखेंगे, रिजल्ट का आर कैपिटल रखा और यहाँ लिख दिया रिजल्ट, और यहाँ टी दिया है हमने, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले रोल नंबर देंगे। तो यहाँ लिखा रोल अंडरस्कोर नंबर और रोल नंबर का डेटा टाइप इंट रखा और यहाँ पे लिख दिया नॉट नल। नॉट नल यानी इसे आप खाली नहीं छोड़ सकते। और यहाँ पे दे दिया हमने क्या, प्राइमरी की, प्राइमरी की, तो ये हो गया। फिर कॉमा दे दिया हमने, फिर यहाँ पे कर देते हैं नेम, ठीक है। तो ये नेम हो जाएगा, नेम ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा, और नेम ऑफ स्टूडेंट का डेटा टाइप हम क्या दे देते हैं, यहाँ वेयर केयर दे देते हैं, वेयर केयर साइज 30 रख देते हैं, कॉमा लगाते हैं। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ सब्जेक्ट के नेम एंटर करवाएंगे, जैसे पहला सब्जेक्ट हो गया कंप्यूटर, ठीक है, इसका डेटा टाइप इंट ही रहेगा, कॉमा देंगे। दूसरा इंग्लिश, इसका डेटा टाइप भी इंट ही रहेगा। तीसरा यहाँ पर मैथ्स, MATHS, ये हो गया मैथ्स, और इसका भी डेटा टाइप इंट ही रहेगा। तो यहाँ पे इंट कर दिया, फिर कॉमा दे दिया, और एट लास्ट यहाँ पे SST कर देते हैं, तो ये SST हो गया और इसका भी डेटा टाइप हमने इंट रखा। अब इसको बंद करके और यहाँ से टर्मिनेशन देना, टर्मिनेशन यानी सेमीकोलन दे दीजिएगा, और अब इसको चलाने की बारी है। तो चलाएंगे कैसे, तो यहाँ आपको रन बटन दिखेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर ना दिखे तो यहाँ डिजाइन टैब पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपको दिखाई पड़ने लगेगा। क्लिक करते ही यहाँ पर आपकी नई टेबल बन जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट नाम की टेबल बन गई है और इसमें आप सीधा सीधा डेटा एंटर कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमें डेटा सीधा सीधा एंटर करना ही नहीं है, तो फिर क्या करना है, हमें डेटा सीधा सीधा ना एंटर करके इसमें डेटा इंसर्ट करवाना है विद द हेल्प ऑफ कमांड, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ कमांड डेटा इंसर्ट कैसे होगा, किस प्रकार से जो है डेटा इसमें इंसर्ट किया जाएगा, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू का यूज करेंगे, तो इस वाले क्वेरी को क्लोज करते हैं और यहाँ से क्रिएट पे जाते हैं, फिर वही क्वेरी डिजाइन, और फिर यहाँ पर इस टेबल को क्लोज करके और यहाँ से SQL पे आ जाना है और यहाँ पे चला देना है आपको इंसर्ट इनटू, इस तरीके से लिखिएगा। और हमें इंसर्ट कहाँ करना है वो चीज हमको वो टेबल का नाम देना होगा। तो ये देखिए रिजल्ट नाम था ना, तो RESULT रिजल्ट टी कर दिया हमने, इसी के अंदर इंसर्ट करना है। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, कौन कौन से फील्ड हमने लिए थे, जैसे हमने लिया होगा रोल अंडरस्कोर नंबर लिया होगा, तो एक बार चेक करते हैं रोल नंबर है या नहीं है। तो देखिए रोल अंडरस्कोर नंबर जैसे दिया गया था वैसे ही, फिर नेम कंप्यूटर इंग्लिश जो लिया है वैसे ही हमें ले लेना है। तो कॉमा दीजिए नेम, फिर यहाँ कंप्यूटर, फिर यहाँ इंग्लिश, फिर यहाँ मैथ्स MATHS, ये मैथ्स ही होना चाहिए अगला, तो यहाँ पे मैथ्स ही है, और लास्ट SST, ठीक है। आप और भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो यहाँ पे SST कर दिया, और SST करने के बाद इसको बंद करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे आप वैल्यूज दे देंगे, इसमें वैल्यूज इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वैल्यूज ही लिखना है आपको, और वैल्यूज दे करके ब्रैकेट को ओपन करिएगा। रोल नंबर यहाँ पे हम कर देते हैं 1, फिर कॉमा लगाते हैं और यहाँ नेम कर देते हैं RAM राम, अच्छा ये राम लिखिएगा तो सिंगल ट्रेड कॉमा के अंदर लिखिएगा आप, ये ध्यान रखिएगा, ये टेक्स्ट है तो आपको सिंगल ट्रेड कॉमा के ही अंदर इसे लिखना होगा। बाकी सब मार्क्स है तो आउट ऑफ 100 यहाँ पे मार्क्स देते चलते हैं। तो यहाँ 3 सब्जेक्ट हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4 हैं एक्चुअली, तो यहाँ पे चारों में अलग अलग मार्क्स हम एंटर करवा देते हैं। तो ये मार्क्स भी एंटर कर दिया। अब यहाँ से टर्मिनेशन देना है और ये रिजल्ट वाली टेबल को पहले क्लोज कर लीजिएगा, देन इस क्वेरी को चलाइएगा। यहाँ पर वही काम की डिजाइन पे जाके यहाँ से रन पे क्लिक करना है। तो क्या देखिए ये आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ आ रहा है यू आर अबाउट टू अपेंड 1 रोज, तो बस यस कर दीजिए। अब आप देखेंगे रिजल्ट वाली टेबल, तो इसमें एक जो रिकॉर्ड है वो इंसर्ट हो गया। लेकिन अभी देखिए आप सोचेंगे कि बहुत प्रॉब्लम है, इतना ज्यादा लिखेंगे कैसे, तो आपने एक बार लिख लिया ये, तो अब आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पर केवल चेंजेस करते चलिए वैल्यू के अंदर, ठीक है ना।
तो वैल्यू में टू कर दिया हमने, नाम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, जैसे मान लीजिए नाम यहाँ पे कर देते हैं राकेश, ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं 53 कर देते हैं, ये 77 है मार्क्स, यहाँ पर जो भी आए हो वो मार्क्स आपको यहाँ पर दे देने हैं, बाकी दोनों यही रहेगा, ठीक है, यही मार्क्स मान लीजिए मिले हो। अब इस टेबल को पहले क्लोज कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, और देन यहाँ से अब फिर रन करवा दीजिए इसको। तो रन करवाया तो ये फिर वन रो अपेंड हुआ, तो वन रो अपेंड हुआ तो यहाँ पे दूसरा रिकॉर्ड भी आ गया। इसी तरीके से तीसरा चौथा पांचवा रिकॉर्ड हम इंसर्ट कराते चलेंगे, जैसे तीसरा है तो यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे नाम लिख देते हैं, यहाँ पे अमित, ये हो गया अमित, ठीक है, और यहाँ पे मार्क्स में चेंजेस जो भी करने हैं, तो जो भी मार्क्स इनका आया हो वो यहाँ पे देते चले जाइएगा। तो मान लीजिए यही मार्क्स आया है, तो वही फिर इसको क्लोज करके देन फिर यहाँ से इसको जा करके और फिर हमें क्या करना है, डिजाइन पे जाना है और डिजाइन पे जाके इसको रन करा देना है, तो फिर एक रो अपेंड होगी। तो ये इस तरीके से बनता चला जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड भी इंसर्ट होते चले जा रहे हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसमें एक और जो है सपोज कीजिए सेक्शन नाम का कॉलम ऐड करना है, तो उसके लिए हमें अल्टर कमांड चलाना होगा। अब ये कैसे चलेगा अल्टर कमांड, आइए उसको देखते हैं। आप इसमें चाहे तो और भी क्वेरीज रन करा सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्वेरी के ही नाम से इसे सेव कर देता हूँ, ये क्वेरी के नाम से सेव कर दिया, अब इस क्वेरी को भी क्लोज ही कर देते हैं, तो ये क्लोज भी हो गया। अब हमने ये काम कर लिया है, अब हमें क्या करना है, अल्टर कमांड चलाना है, तो क्रिएट पे जाएंगे, एक नई क्वेरी बनेगी अल्टर के लिए, यानी एक कॉलम और ऐड कराना है, तो यहाँ पे हम अल्टर कमांड चलाएंगे, तो ये लिखेंगे अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम देंगे, तो हमारे टेबल का नाम है रिजल्ट टी, ये हमने दे दिए दे करके, यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा, और अब यहाँ पर एड कॉलम दीजिएगा column, कॉलम कौन सा ऐड करना है हमें, सेक्शन का, तो यहाँ लिख दिया सेक्शन, और यहाँ पर क्या दे देंगे, यहाँ पे कैर डेटा टाइप का इस्तेमाल कर लेंगे हम, और यहाँ पे साइज कर देते हैं 20, और अब क्या करना है char लिखेंगे, ये भी ध्यान दीजिएगा char, ठीक है, और अब क्या करना है यहाँ पर इसे टर्मिनेट करना है, और टर्मिनेट करके इसको चला देना है, तो यहाँ से जाएंगे और इसको चला देंगे, तो यहाँ पर जो है ये हमारा क्वेरी रन हो चुका है। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी क्वेरी रन हुई या नहीं हुई, तो यहाँ पर आएंगे ना, तो देखिए यहाँ पर सेक्शन भी आपको दिखाई देगा, तो जिस तरीके से हमने जो है ये किया है, इसी तरीके से और भी आप कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब हमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करना था तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू चला लिया था हमने, लेकिन अभी क्या करेंगे, तो अभी यहाँ पर हमें अपडेट कमांड चलाना है। कौन सा कमांड चलाना है, अपडेट कमांड, तो यहाँ पर इसको सेव करता हूँ क्वेरी टू QU2 नाम से सेव कर देता हूँ, ये हो गया। अब इन दोनों टेबल्स को क्लोज कर देंगे और एक नई क्वेरी बनाएंगे, ठीक है, फिर यहाँ क्वेरी पे गए और क्वेरी पे जाके क्वेरी डिजाइन पे गए, फिर इसको क्लोज किया, क्लोज करके फिर यहाँ पर आएंगे SQL पर, और यहाँ पर अब हम अपडेट कमांड चलाएंगे। कौन सा कमांड चलाएंगे, अपडेट कमांड, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा अपडेट, ठीक है ना, हमें कौन सा कमांड चलाना है, अपडेट कमांड, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कही कॉलम है जिसमें रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं हुए हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम अपडेट कमांड चला लेंगे, ठीक है, तो चलिए ये चलाते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपडेट updateTE, ठीक है, और अपडेट लिख करके क्या करना है, जैसे ही अपडेट लिखेंगे तो यहाँ पर आगे हमें टेबल का नाम देना है, तो हमारे टेबल का नाम है रिजल्ट टी, resultT, रिजल्ट टी, ये हमने दे दिया, फिर एंटर करके नीचे आते हैं, यहाँ पे सेट लिखेंगे और यहाँ पर जो है कॉलम वन कॉलम टू, अब यहाँ पे क्या सेट करना है हमें, तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट टी में आते हैं तो सेक्शन को सेट करना है, तो यहाँ पे हम सेक्शन ही दे देंगे, तो यहाँ पे SECTION सेक्शन दे दिया हमने, और सेक्शन में हमें क्या देना है, तो इज इक्वल टू बी कर देते हैं सेक्शन बी, ठीक है, तो यहाँ पे बी कर दिया, और अब यहाँ पे कर देंगे वेयर WHERE वेयर, ये वेयर लिखा हमने, रोल नंबर था ना, तो यहाँ पे रोल अंडरस्कोर नंबर कर दिया और इज इक्वल टू वन कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ टर्मिनेशन दे देंगे, और टर्मिनेशन देकर के इसी को चलाना है, तो ये टेबल ध्यान दीजिएगा पहले क्लोज कर लीजिएगा और देन यहाँ से डिजाइन पे जाके इसको रन करवा लीजिएगा। तो जैसे ही रन करवाएंगे तो कह रहा है अपडेट करना है वन रो को, तो अपडेट कर दिया इसने, तो अब देखेंगे तो पहले वाले में भी सेक्शन आ चुका है। इसी तरीके से आप सब में कर सकते हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी बात समझ में आई होगी, और अल्टर का कैसे यूज करना है ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।